तथाहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि वेदाहं रुक्मिणा द्वेषान् ममोद्बाहो निवारितः। मन यदि कोई आपके स्मरण में बहुत तन्मयता रखता हो तो बरबस आपका मन उस तरफ खींचने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा किसी का मन, मन के अंदर उठा हुआ संकल्प, संकल्प जिस भाव से स्पंदित हो रहा होगा आपके मन में उसी तरह की तरंगें पैदा होने लगेंगी। इसीलिए मन के मर्मज्ञों ने एक संदेश दिया, एक सूत्र दिया कि मन सुमन भी है और मन दुश्मन भी है। दुश्मन बाहर बाद में पैदा होता है, पहले अपना मन दुश्मन बन जाता है। अपना मन जब दुश्मन बन जाता है तो अपने मन की तरंगें, जिसके लिए अपने मन में विकार पैदा होते हैं, उसके मन को विकृत कर देता है, तरंगे विकृत कर देती हैं। और जब अपने मन में किसी के प्रति सद्भाव तरंगित होता है तो दूसरी तरफ भी सद्भाव उमड़ने लगते हैं। इसीलिए सज्जनों, अपने मन को शिव संकल्प से आपूरित करने के लिए एक बात कही गई है, मन जब विकृत होता है अपना, तो इसी के साथ दुश्मन बाहर पैदा हो जाते हैं। और जब अपने मन में सद्भाव उमड़ता है, सद्भाव की तरंगे पैदा होती हैं किसी के प्रति, तो उसके मन में भी आपके प्रति सद्भाव लहराने लगेगा। यह सूत्र है। एक राजा जब अपने नगर में प्रवेश करता है, उन लोगों को देखने के लिए कि हमारी प्रजा के साथ कौन कौन अच्छे लोग हैं, चलो हम अपनी प्रजा के बीच में जाएं। एक जगह से गुजर रहा है, एक बड़ा सेठ है, सेठ को देखकर राजा के मन में आदर पैदा हुआ। राजा ने कहा, ये सेठ हमारे नगर का गौरव है, ध्यान दें। सेठ के मन में राजा के प्रति सद्भाव था। कहते हैं वह सेठ चंदन का व्यापारी था, राजा नगर भ्रमण के बाद जब अपने राजमहल वापस जाता है तो उसे वह सेठ याद आने लगा। अपने मंत्री को बुला करके बोलता है, ये सेठ क्या करता है, इसका कामकाज कैसा चलता है। मंत्री ने कहा, सेठ तो अच्छा है, आपने तो उस समय कहा ही था कि सेठ हमारे शहर का गौरव है। उसने कहा, ऐसा नहीं लगता है, ये सेठ गरीबों का लगता है शोषण करता है।
इसी के साथ इसने जो धन संग्रह किया है उसमें न मालूम कितने लोगों के साथ इसने बेईमानी की है। इस सेठ को अपने शहर से हटा देना चाहिए। मंत्री ने सोचा कि जो राजा पहले तो सेठ के प्रति सद्भाव बता रहा, सद्भाव व्यक्त कर रहा था, क्या कारण है कि इसके मन में एक विपरीत चिंतन पैदा हो गया, दुर्भावना पैदा हो गई। मंत्री बहुत कुशल है, मंत्री छद्म वेश धारण करके सेठ के पास गया है, कुशल समाचार लिया है, व्यापार कैसा चल रहा है यह जानना चाहा है। उसी प्रसंग में सेठ ने कहा, क्या व्यापार चलता है, न मालूम कब से ये चंदन की लकड़ी पड़ी हुई है, कौन खरीदेगा ये चंदन, इतनी कीमती लकड़ी कौन खरीदेगा। अरे राजा के यहां भी कोई मरता नहीं है, राजा के यहां कोई मरता तो कम से कम राजवंश का कोई मान्य सदस्य गुजरे तो उसकी चिता के लिए चंदन पर्याप्त मात्रा में जा सकता है। ध्यान दें, मंत्री ने देखा कि राजा के अंदर दुश्चिंतन चल रहा है, दुश्चिंतन चल रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, मंत्री ने जो छद्म वेश में है उसने कहा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, अगर राजा एक मंदिर का काम चल रहा है और उस मंदिर में भगवान के दरवाजे बनेंगे तो दरवाजे क्यों न चंदन के बनाए जाएं? किसी के साथ मृत्यु का चिंतन करना, इसके बजाय आप ये सोचें। उस सेठ ने कहा, बात तो आप बहुत ठीक कर रहे हैं। उसका चिंतन बदल गया, दुश्चिंतन की भूमि से हट करके वह सच्चिंतन में आ गया और यही सोचता है कि बात तो बहुत सच है, हमारा प्रजावत्सल राजा अगर अपने घर परिवार से प्रसन्न रहेगा तो प्रजा भी प्रसन्न रहेगी, और घर परिवार के किसी सदस्य का निधन हुआ तो ये तो दुख की बात होगी। उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मैंने बहुत गलत चिंतन कर डाला, अच्छी बात है भगवान का मंदिर बने तो मंदिर से भगवान और प्रसन्न होंगे। ध्यान दें सज्जनों, आप किसी को घर बना करके दे दो, बेसहारा को आप छोटा सा घर का सहारा बना करके दे दो तो जिसको घर दोगे वह प्रसन्न होगा या नहीं? निश्चित ही प्रसन्न होगा। और जब आपने भगवान को, भगवान के रहने का निवास मंदिर बना करके भगवान को ही समर्पित कर दिया तो भगवान को ज्यादा खुशी तो नहीं होगी। क्यों? हम नहीं बोल रहे, एक तर्क कुशल व्यक्ति बोल रहा है कि भगवान के पास क्या कमी है, भगवान को भोग लगाने की क्या जरूरत है, क्या भगवान हमारे बिना भोग लगाए भूखा बैठा रहेगा? भोग लगाना और न लगाना कोई इतना महत्व की बात नहीं है, पर सज्जनों भोग न लगाने की बात करके उसको औचित्य देना कि अगर हमने भोग नहीं लगाया तो क्या भगवान भूखा बैठा रहेगा, और भगवान अगर सबको भोजन देता है, सबकी भूख मिटाता है तो क्या उसके पास किसी तरह की कमी है? यह है एक तर्क कुशल व्यक्ति का चिंतन कि भगवान को मंदिर बनाकर समर्पित कर दिया, क्या जरूरत है?
उसमें भगवान को क्या खुशी होगी? नहीं सज्जनों, भाव की विशेषता है। भगवान के नाम से जो आपने मंदिर बनाया, भगवान के पास अपनी कमी तो नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो भाव पैदा हुआ है वो भाव भगवान को निश्चित ही आपको एक ऊंचाई पर पहुंचा देगा, भाव की ऊंचाई में आपको प्रतिष्ठित कर देगा। और भगवान तो भाव प्रिय हैं। आपके द्वारा जब मंदिर बनाया गया तो आप जिस भाव से मंदिर बना सके हैं, परमात्मा ईश्वर निश्चित ही अपनी बहुत बड़ी प्रसन्नता आपको देगा। आप संसार में चाहते क्या हैं? आप संसार में सबसे क्या चाहते हैं? प्रसन्नता ही तो चाहते हैं। आप भगवान के सामने भी खड़े होकर प्रसन्नता ही तो मांगते हैं। आप यही तो कहते हैं, मैं प्रसन्न रहूं, तन से प्रसन्न रहूं, मन से प्रसन्न रहूं और धन से प्रसन्न रहूं। सज्जनों, आप तन से तो प्रसन्न हैं, लेकिन मन और धन की कमी है। मन से प्रसन्नता नहीं है। सज्जनों, तन से स्वस्थ हो, मन से प्रसन्न हो, और इसी के साथ आपका व्यवसाय प्रगतिशील हो। व्यवसाय का स्रोत है अर्थ, धन, उसका स्रोत और बढ़ता चला जाए, सज्जनों आप प्रसन्न होंगे। आपका अगर अर्थ स्रोत कमजोर होता है तो आपका मन चिंतित होने लगता है, और मन जब चिंतित होने लगता है तो सज्जनों उसी के साथ बीमारियां भी पैदा होने लगती हैं। तो आप हम सब संसार में किस तरह से रहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? प्रसन्नता। और भगवान क्या देते हैं? भगवान के प्रसाद से, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्यो पजायते, प्रसाद से सभी दुखों की हानि हो जाती है। तो ध्यान दें, एक प्रसाद है भगवान का स्थूल, और दूसरा भगवान का प्रसाद है भगवान की प्रसन्नता। जब भगवान की प्रसन्नता मिलेगी तो इसी के साथ भगवान कि जहां पर दृष्टि हो जाए, भगवान की जहां पर कृपा हो जाए, भगवान की जहां पर महिमा का प्रवेश हो जाए, सज्जनों निश्चित ही वहां पर दुख नहीं होगा। आप कहें दुख नहीं होगा, सज्जनों दुख के साधनों से दुख मिलता है ऐसा नहीं है। हमारी जो प्रतिकूल वृत्ति है, नकारात्मक वृत्ति है, किसी व्यवस्था को जब आप नकारने लगते हैं तो इसी के साथ वह व्यवस्था आपको दुखी करने लगती है। जिस व्यवस्था को हम आप नापसंद कर देते हैं, नापसंदगी के साथ ही दुख के स्पंदन शुरू हो जाते हैं। जिसको आप पसंद कर रहे थे वो आपको चीज मिल गई, इसी के साथ आपने देखा कि जो चीज आपको पसंद की मिली, इसी के साथ दूसरे व्यक्ति को वही पसंदगी की चीज थोड़ा और स्तर में अच्छी दूसरे को मिल गई। तब जो आपको मिली हुई चीज थी, क्या वो आपको प्रसन्नता दे पाती है? नहीं दे पाती। चीज वही है लेकिन अब वह आपको अब ज्यादा पसंद की नहीं लगती। इसका मतलब आपकी पसंदगी के स्पंदन कमजोर हो गए। ध्यान दे सज्जनों, दुख कुछ नहीं है।
स्वीकार लो। भगवान कहते हैं जो भी परिस्थितियां आई हैं उनको स्वीकार लो और मेरी इच्छा है ऐसा मान करके स्वीकार लो। ध्यान दें, जब भगवान के प्रति सद्भाव उमड़ता है, भगवान के प्रति आपके अंदर एक इच्छा जागृत होती है, तो इसी के साथ भगवान आपके लिए अपने आप में उत्सुक होने लगते हैं। तो बात कर रहा था, जब भगवान के लिए आपने कुछ भी किया तो निश्चित ही भगवान की प्रसन्नता आपको मिलेगी। भगवान के लिए आपने मंदिर बनाया, निश्चित ही भगवान आपको बनाएगा। आप बनना चाहते हैं ना, निश्चित ही आपको बनाएगा भगवान। आपने जब भगवान का मंदिर बनाया तो भगवान भी जानता है कि अब तो इसको और सक्षम बनाना पड़ेगा। आइए, जब उस सेठ ने सोचा कि राजा मंदिर बना रहा है तो मंदिर में हमारा चंदन लग जाए, इस तरह के चिंतन के साथ ही उसके मन में पश्चाताप पैदा हुआ। अपने पूर्व चिंतन पर वह पछताने लगा और मंत्री जब राजा के पास वापस गया है तो राजा कहता है, आपने उसको डांटा फटकारा तो नहीं? राजा मंत्री से पूछता है कि आपने कुछ उसको डांटा फटकारा तो नहीं, आपने उसको निकल जाने की बात तो नहीं की? मंत्री कहता है, नहीं, आप बताइए क्या बात है। उसने कहा, वह नगर सेठ अच्छा है, खराब नहीं है, अच्छा है। वह नगर सेठ खराब नहीं है, अच्छा है, भला आदमी है। मंत्री परख रहा है, वही राजा जिसके मन में सद्भाव था उस सेठ के प्रति, सद्भाव बदल करके विपरीत चिंतन आया, उसका अहित करने के लिए उसने बात की। लेकिन थोड़ी भी ही देर में राजा बदल क्यों गया? मंत्री निरीक्षण कर रहा है। हम सब इस मर्म को समझ लें। इसी मर्म का उदाहरण भगवान कृष्ण बहुत पारखी हैं। ध्यान देना सज्जनों, आपको जो मैं बताना चाहता हूं, जिस समय भगवान के पास रुक्मिणी का संदेश दूत लाया है, भगवान क्या कहते हैं? निद्राम च न लभे निशी। अरे, मुझे रात में तो नींद ही नहीं आ रही है। आपको कभी ऐसा हुआ है कि किसी के याद में ना आए? शायद हुआ होगा। किसी की याद में आपको नींद न आए, किसी की याद में आप बेचैन हो उठे।